आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी के बारे में। इसमें आपकी आपकी जो वैकेंसी निकली है, कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी निकली है, इसके लिए किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, हम इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पे हैं। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड आपको एज एन असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी ऑन टेक्निकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल आपको बैच फॉर 1/2022 के लिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आवेदन करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म फोर्स यूनियन ऑफिसर चैलेंजिंग कैरियर यंग एंड डायनामिक इंडियन मेल कैंडिडेट फॉर वेरियस ब्रांच असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए ग्रेजुएट ऑफिसर रजिस्टर आपको ऑनलाइन करना है, आपको थ्रू कोस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं जनरल ड्यूटी देखिए 1 जुलाई आपको जो 1997 30 जून 2001 के बीच में होना चाहिए। मेल कैंडिडेट की वैकेंसी है। एजुकेशन यहाँ पे आपको दे रखा है, आपको देख सकते हैं कैंडिडेट पास बैचलर डिग्री एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कम यहाँ पे मिनिमम 60% एग्रीगेट होने चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8वीं सेमेस्टर तक, या बीटेक कोर्स होना चाहिए फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर बैचलर डिग्री, ठीक है। तो विस्तार से जानकारी देने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कैरियर रिगार्डिंग आपकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, लर्निंग टाइम को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जिनको गवर्नमेंट जॉब की जानकारी चाहिए आप हमारे सोशल मीडिया के नीचे दिए गए लिंक से जुड़कर हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं, यहाँ पे आपको आ रहा है तो 60% है यहाँ पे आपको दे सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए इंटरमीडिएट, ठीक है, जिसमें क्लास 12 तक 10+2 3 का स्कीम। एजुकेशन यहाँ पे दे सकते हैं 60% एग्रीगेट मैथमेटिक्स और फिजिक्स में होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट नॉट इन प्रोसेशन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 10+2 या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। लेवल आर नॉट एलिजिबल टू आपको जनरल ड्यूटी, ठीक है। टेक्निकल इंजीनियर की बात करें 1 जुलाई 1997 से 2001 के बीच में 3 जून के मेल कैंडिडेट रखा गया, 60% होना चाहिए एग्रीगेट स्टेप पास सेक्शन ए बी एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन आपका 60% होना चाहिए। इंजीनियरिंग ब्रांच यहाँ पे देखते हैं ए और बी यहाँ पे बता रखिए, नेवल आपका आर्किटेक्चर या मैकेनिकल मरीन ऑटोमेटिव यहाँ पे देखने वाले, इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टेली कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेशन या कंट्रोल आप इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। या ऑल द अबव स्ट्रीम इंजीनियर मस्ट हैव रिकॉग्नाइज बाय ऑल इंडिया काउंसलिंग होनी चाहिए। आउस के साथ में 60% मार्क होनी चाहिए 12th क्लास में फिजिक्स और 10th में, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, कोर्स आपका एग्रीगेट 60% होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 साल का आपका रिलेक्शन रहेगा SST, 3 साल का OBC, यहाँ पे आपको जो कि 12th में आपका रिलेक्शन रहेगा 5% SST कैंडिडेट के लिए, ठीक है। वैकेंसी की बात करें GD की, यहाँ पे 40 वैकेंसी है, यहाँ पे 6 आपका SC ST 13, 7 OBC 3 इकोनॉमिक सेक्टर, 11 UR में, टेक्निकल में 10 वैकेंसी, 2 SC 1 ST 4 OBC और 3 UR कैटेगरी में, ठीक है। एडिशनल एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पे जैसे ओनली कैंडिडेट क्लियर देयर फाइनल एग्जामिनेशन फाइनल सेमेस्टर वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिनके पास आप कंप्लीट कर चुके हैं वो डिग्री वही अप्लाई करें, ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड हाउ टू अप्लाई के बारे में। एप्लीकेशन एक्सेप्ट ऑनलाइन आप ऑनलाइन कर सकते हैं 4 जुलाई से लेकर 14 जुलाई 2021 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं द नेम ऑफ कैंडिडेट फादर मदर नेम डेट ऑफ बर्थ आपके हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके जो उसमें मिसमैच होती है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इंडिकेट आपका आपका एग्जैक्ट 12th के आपके और ग्रेजुएशन के मार्क अप टू 2 डेसिमल होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं राउंड ऑफ, देयर इज नॉट राउंड ऑफ, तो यहाँ पे आपको ऐसी फिगर नहीं करना है, जो एक्चुअल है वही यहाँ पे देना है, ठीक है। कैंडिडेट चूज एनी वन वेन्यू PSB आपको ऑप्शन डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर कैंडिडेट कंपलसरी है, तो उस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दे सकते हैं जानकारी आ रही है इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में जाएंगे बटन पे तो इसकी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। सेलेक्ट द एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट आपका असिस्टेंट कमांडेंट आपका 1/2021 यहाँ पे आपको दे सकते हैं जनरल ड्यूटी की मेल और असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल में मेल के लिए, ठीक है। यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आवेदन करते हैं, स्टार वाले जो भी हैं एस्टिक साइन को आपको मैंडेटरी है फिल करना है। कैंडिडेट हैव टू अप्लाई आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर JPG फॉर्मेट 200 DPI यहाँ पे दे सकते हैं 10 से 40 KB 10 से 30 KB के रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कैंडिडेट सेल बी इंश्योर द डाटा
कैंडिडेट सेल इंश्योर द डाटा यू चेक बिफोर द क्लिकिंग, आपको सबमिट करने से पहले सारी जानकारी चेक करनी है, अपनी हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे परसेंटेज होने चाहिए, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ फादर का नेम और परसेंटेज आपकी ट्वेल्थ की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली सबमिट किया, ऑनलाइन एप्लीकेशन यूनिक आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोवाइड द कैंडिडेट, मस्ट नोट डाउन एप्लीकेशन आपको रखनी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, आपको प्रिंट रिप्रिंट रखना है। यहाँ पे आपका ई एडमिट कार्ड 20 जुलाई 2021 तक आ सकता है। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू कॉपी सिस्टम जनरेट ई एडिट कार्ड की, आपको अलॉटेड रोल नंबर विद रिसेंट आइडेंटिकल आपका फोटोग्राफ के साथ लेके आना है, ठीक है, विद ब्लू बैकग्राउंड जो आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और ये सब यहाँ पे आपको जानकारी देके दे सकते हैं। 4 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक आपको आवेदन करना है, ठीक है। शेड्यूल फॉर प्रीमिली आप सिलेक्शन एग्जाम द कैंडिडेट रीच अलॉट आपको 30 मिनट प्रायर स्टार्टिंग फॉर एग्जाम, डेट टू टाइम आपका एग्जामिनेशन आपको कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपके अर्ली अगस्त में हो सकते हैं। कोस्ट गार्ड रीजन हेडक्वार्टर यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में बता रखा है। कोस्ट गार्ड आपका स्टोर डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको दे रखा है क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके बारे में दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें, शॉर्टलिस्ट आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन हायर परसेंटेज मार्क इन क्वालिफाई एग्जामिनेशन, क्वालिफाई कट ऑफ फॉर द पर्टिकुलर ब्रांच सेंटर में भी इंक्रीज मोर देन 60%, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ 60% से अधिक जा सकती है इफ आपका जो है एप्लीकेशन विद हायर परसेंट पर रिसीव होती है, ठीक है, अगर ज्यादा आएंगे तो यहाँ पे आपका जो परसेंटेज जाने के ज्यादा चांसेस है। प्रीमिली सिलेक्शन की बात करें, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर प्रीमिली आपका सिलेक्शन एट द गिवन टाइम और आपका जो दिया गया समय और पर निर्धारित होगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, कॉग्निटिव आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, आप पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट आपका होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी इंग्लिश ओनली एंड विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ड्यूरिंग पीपी एंड डीडी कैंडिडेट एक्सपेक्ट स्पीक एंड डिस्कस इंग्लिश, हाउएवर दे आर फ्री टू स्पीक हिंदी इफ दे वांट टू विश, इनकी इच्छा है, ठीक है, अगर हिंदी में ही बोल सकते हैं वो आपकी इच्छा के अनुसार है, ठीक है। डेट और टाइम आपका प्रीमियर सिलेक्शन अलॉटेड विल बी नॉट चेंज एनी स्टे, ठीक है। यहाँ पे आपको बाकी आप देख सकते हैं, कैंडिडेट वो कंप्लीट डेयर डिग्री इन 2020-21 शेड्यूल पोजिशन आपका ओरिजिनल आपका प्रोविजन डिग्री इश्यूड बाई द कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं जिन लोगों का CGPA या उसके इक्विवेलेंट स्कीम है, आपको कॉरोबोरेटेड विद 60% टोटल मार्क एज पर द कन्वर्जन फार्मूला आपका जो है इश्यू बाई रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, तो वो आपको लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे दे सकते हैं ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विल गो अंडर गो बायोमेट्रिक प्रोफाइलिंग, ठीक है। स्टेट टू फाइनल सिलेक्शन द कैंडिडेट हु आपका क्वालिफाई प्रीमिली सिलेक्शन विल बी कॉल्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन, द डेट टाइम विल बी फाइनल सिलेक्शन जो कि अपलोड किया जाएगा इनकी इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर, ठीक है, जो कि फाइनल सिलेक्शन हो सकता है अगस्त के आपका जो होगा एंड अगस्त अर्ली सितंबर में होगा टू अर्ली नवंबर 2021। तो फाइनल सिलेक्शन में कंसिस्ट ऑफ साइकोलॉजी टेस्ट, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू होंगे, ऑल डॉक्यूमेंट सर्टिफाई होंगे, ठीक है, PSB आर रिक्वायर्ड टू आपका प्रोड्यूस ओरिजिनल ड्यूरिंग एंड FSB। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा हाई स्कूल की ओरिजिनल और ओरिजिनल आपके ट्वेल्थ की ओरिजिनल डिग्री सर्टिफाई ऑल सेमेस्टर वाइज, ठीक है, CGPA आपका कन्वर्टेड फार्मूला, आपका जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड में से कुछ भी एक हो सकता है, केस्ट आपका कास्ट सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है, तो ये सब आपके रहेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा, वेट यहाँ पे आपको 157 सेंटीमीटर आपका हो रहेगा, ठीक है। और हिली एरिया के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो देखते हैं वेट यहाँ पे 10% एक्सेप्टेबल रहेगा, चेस्ट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, आई साइड यहाँ पे आपको दे रखा है, बाकी आपको जानकारी दे रखिए, वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन, रीजन फॉर रिजेक्शन और मेरिट लिस्ट के यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। जनरल गाइडलाइंस दे रखी है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो आपकी ये जानकारी थी जो कि मैंने बताई फ्रेंड, ठीक है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको जो प्रमोशन पे स्किल के बारे में दे रखा है, अदर बेनिफिट है वो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये थी आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल मैंने जानकारी दी। वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों की हेल्पफुल पूरी जरूर बताएं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।